नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और मैं आपका अपने चैनल डीके फाइनेंस नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल की सभी ऐप्स को कैसे अपडेट करें, क्यों ज़रूरी है आपके मोबाइल को अपडेट करना। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल के सभी ऐप्स को अपडेट कैसे करें और क्यों हमें अपडेट करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सभी जो अपने मोबाइल में ऐप्स यूज करते हैं वो कुछ दिनों में अपडेट होते रहते हैं, उनमें नए फीचर्स आते रहते हैं जिनके लिए उनको अपडेट करना पड़ता है। और अगर आप टाइम टू टाइम अपने ऐप्स को अपडेट नहीं करेंगे दोस्तों तो आपका मोबाइल स्लो काम करने लगेगा, आपका मोबाइल स्लो चलने लगा, जिससे आपको काफ़ी परेशानी झेलना पड़ सकता है। दोस्तों आपका मोबाइल हैंग भी हो सकता है, इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपका मोबाइल सही चले तो आपको टाइम टू टाइम मोबाइल अपडेट करते रहना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से हम बाइक की सर्विसिंग नहीं कराते तो वो ढंग से चलती नहीं है दोस्तों, उसी प्रकार से मोबाइल का अगर आप टाइम से अपडेट नहीं करेंगे तो मोबाइल भी ढंग से नहीं चलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आप अपने मोबाइल के सभी ऐप्स को टाइम टू टाइम कैसे अपडेट कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि आपके मोबाइल के जो ऐप्स हैं उनमें अपडेट आया है। तो चलिए दोस्तों इसके लिए हमें सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। तो चलिए हम प्ले स्टोर में चले जाते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों जो यहाँ तीन सर्कल दिया है ये आपको रेड कलर में दिखा रहा हूँ, इसमें आपको क्लिक करना है दोस्तों। चलिए हम क्लिक कर लेते हैं, इसमें हम क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद ये जो आपको दिख रहा है दोस्तों माई ऐप्स एंड गेम, इसमें आपको क्लिक करना है। तो चलिए इसमें क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों इसमें देखिए जो आपके मोबाइल का जो भी ऐप्स का अपडेट आया होगा उसमें ऑलरेडी ही अपडेट लिखा होगा, ये देखिए अपडेट लिखा होगा और जो अपडेट हो चुका होगा उसमें ओपन लिखा है। तो ये जो अपडेट है अगर आप एक एक करके भी चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑल अपडेट करूं तो ऑल अपडेट भी आप सिलेक्ट कर ले दोस्तों, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं। देखिए दोस्तों मैं यहां पे सेट कर दे रहा हूं, ये देखिए दोस्तों मेरा मोबाइल के जो ऐप्स है वो अपडेट होने लगे हैं। तो इसी प्रकार से आप भी अपडेट कर सकते हैं, मैं अभी अपडेट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अपडेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि मोबाइल को अपडेट कैसे करना है, मोबाइल के ऐप को अपडेट कैसे करना है टाइम टू टाइम। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों फिर किसी नए फीचर्स के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।